हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निरीक्षण और प्रयोग पढ़ेंगे। निरीक्षण प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित प्राकृतिक घटनाओं का उद्देश्यपूर्ण नियमित प्रतिचीकरण ही निरीक्षण है। निरीक्षण की इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलता है। पहला पॉइंट, निरीक्षण एक प्रकार का प्रतिचीकरण या देखना है। दूसरा पॉइंट, निरीक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रतिचीकरण है। तीसरा पॉइंट, निरीक्षण एक नियमित प्रतिचीकरण है। चौथा पॉइंट, निरीक्षण चयनात्मक होता है। पांचवा पॉइंट, निरीक्षण का वातावरण भी प्राकृतिक होता है। छठा पॉइंट, निरीक्षण प्राकृतिक घटनाओं का होता है। सातवा पॉइंट, निरीक्षण में कभी कभी यंत्रों का सहारा लिया जाता है। पहला पॉइंट, निरीक्षण एक प्रकार का प्रतिचीकरण या देखना है। आमतौर पर देखने की क्रिया को ही प्रतिचीकरण कहा जाता है, किंतु हमारी ज्ञानेंद्रियों में से वस्तुओं या घटनाओं से साक्षात ढंग से संबंध होने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ही हम प्रतिचीकरण कहते हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना, जिह्वा से स्वाद लेना भी प्रतिचीकरण ही कहलाता है। सच तो यह है कि प्रतिचीकरण के अभाव में निरीक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, निरीक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रतिचीकरण है। वस्तुतः प्रतिचीकरण के पीछे हमारा किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य निहित रहता है, अर्थात हमारे देखने या सूंघने की क्रिया के पीछे किसी प्रकार का उद्देश्य निहित रहता है तो वह निरीक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी किताब की दुकान को ढूंढते हैं और इस क्रम में मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान अथवा सोने चांदी की दुकान देखते हैं तो यह देखना हमारा निरीक्षण कहलाता है। इस प्रकार जब किसी जंगल में मोर की आवाज़ का पता लगाने के उद्देश्य में अनेकों प्रकार की पंछियों की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा यह सुनना निरीक्षण कहलाता है। तीसरा पॉइंट, निरीक्षण एक नियमित प्रतिचीकरण है। निरीक्षण में उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिचीकरण का नियमित होना आवश्यक है। अतः निरीक्षण करते समय केवल उसी वस्तु का ध्यानपूर्वक प्रतिचीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए,
चंद्र ग्रहण के समय ज्योतिषी किसी खास बात का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो केवल चंद्रमा का भी प्रतिचिकरण करते हैं, न कि अन्य ग्रहों का। चौथा पॉइंट, निरीक्षण चयनात्मक होता है। वस्तुतः निरीक्षण करते समय हम उन वस्तुओं को छांट देते हैं, निरीक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए हमें किसी किताब को खरीदना है तो किताब दुकान की खोज के लिए कपड़ा, जूता, लोहा इत्यादि दुकान को छांट देते हैं और केवल किताब की दुकान को चुन लेते हैं। इस प्रकार निरीक्षण में चुनाव निहित होता है। दूसरे शब्दों में निरीक्षण चयनात्मक क्रिया है। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। थैंक यू।